हेलो वाईटी फैमिली, वेलकम टू फूड मेन्यू। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला चिकन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, जिसे आप पुलाव, दाल, चावल, रोटी किसी भी चीज साथ खा सकते हैं। तो बिना देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मसाला चिकन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कढ़ाई पे 4 बड़े चम्मच सरसों की तेल ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ इसमें 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 2 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब इसे हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो इसे चलाते हुए आप अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए पका लें। हमेशा की तरह रेसिपी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और साथ ही में PDF फॉर्मेट में भी मिल जाएगी। प्याज की कलर चेंज हो चुकी है, अब इसमें हम ये चिकन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने चिकन 1 किलो लिया है। चिकन की जो पानी रिलीज हो रही है, इसे हम बिल्कुल प्याज में पकाते हुए इसकी सारी पानी को सुखा लेंगे। और साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी नमक भी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि इसका सारा मॉइस्चर अच्छे से रिलीज हो जाए। तो अच्छी तरीके से चलाते हुए जब इसकी पानी सूख चुकी है, इसमें हम 1 कटोरी लहसुन और अदरक की पेस्ट को ऐड करेंगे। तो लगभग 2 मिनट हमने मसाले को पका लिया है। अब यहाँ पे बाकी के मसाले को ऐड करेंगे। तो मसाले में हम यहाँ पे ऐड करेंगे भरकर 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखी मिर्च पाउडर और साथ ही 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और लगभग 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच भरकर चिकन मसाला ऐड करेंगे। और साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी नमक भी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि इसका सारा मॉइस्चर अच्छे से रिलीज हो जाए। यहाँ तक आ ही गए हैं तो रेसिपी को लाइक जरूर करें। अब चिकन को थोड़ा खट्टा करने के लिए यहाँ पे 1 नींबू की रस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 से 2 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 ग्लास के करीब पानी। इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। इसकी लीड लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम में इसे पका लेना है। फूड मेन्यू इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी है, आप हमारे वीडियोस वहां भी देख सकते हैं। में थोड़ी सी धनिया पत्ती से इसे हम गार्निश करके सर्व करेंगे। लास्ट में आप इसे चेक कर लें, अगर चिकन नहीं गली है तो आप थोड़ी देर और पका लें। तो लीजिए, हमारी मसाला चिकन बनकर रेडी हो चुकी है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, फैमिली फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ मैं आप सभी को एक मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।